ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन. व्हेन अ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज प्रोड्यूस्ड, यानी उसको एक्सटेंड किया है. व्हेन अ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज प्रोड्यूस्ड, इसका मीनिंग क्या है? वो साइड को एक्सटेंड किया है, देन द एंगल फॉर्मड बिटवीन द प्रोड्यूस्ड साइड एंड द एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. अभी ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, आपको पता है. ट्राइंगल भी क्या है? एक पॉलीगॉन है. व्हाई इट इज अ पॉलीगॉन? बिकॉज थ्री और मोर देन थ्री साइड्स, जो भी फिगर को होता है, साइड्स क्लोज्ड फिगर को होता है, उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं. ओके, तो यस देखो, अभी ये जो साइड है, दिस साइड आई हैव प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस्ड यानी क्या? एक्सटेंड किया है उसको. आई हैव एक्सटेंडेड दिस साइड. तो ये वाले साइड के साथ ये जो प्रोड्यूस्ड साइड जो एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल. सो इज इट क्लियर टू यू? एक्सटीरियर एंगल बाहर से होता है फिगर के, हमेशा. यस सर ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये देखो, ये प्रोड्यूस्ड साइड है. ये दिस इज द प्रोड्यूस्ड साइड, और ये वाले साइड के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल. ये कौन सा फिगर है बाय द वे? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ओके, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है. यहाँ पे ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. सिमिलरली ये कौन सा फिगर है? 1, 2, 3, 4, पेंटागन 5, पेंटागन पेंटागन. ये पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल है. ओके, ये पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल है. नाउ व्हाट दे हैव सेड, वी हैव थ्री फॉर्मूलाज. हाँ, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है. द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. बाय द वे, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स? 360 डिग्री 350. जी देखो, क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 आता है, उसके बाद पेंटागन के लिए 540 आता है, उसके बाद हेक्सागन के लिए 720 आता है. इस तरीके से 180 180 से इंक्रीज होता है वो इंटीरियर एंगल्स का सम. हम लोगों ने सर देखा था ना. सी, यस, यस सर डेफिनेटली वी हैव सीन इट. सी हियर, ये वाले ट्राइंगल का सम 180, ये वाले ट्राइंगल का 180, तीनों एंगल्स का, और ये वाले ट्राइंगल का 180. तो ये पेंटागन है, तो पेंटागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 540. 540 यहाँ पे ये 180, ये 180, ये 180, ये 180. ये क्या है? हेक्सागन है. हेक्सागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 720. सी, 720 डिग्री ओके. तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, कोई भी गन हो, पॉलीगॉन हो, दैट इज 360 डिग्री. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स इज 360 डिग्री. इंटीरियर का अलग अलग आता है, बट एक्सटीरियर का सबका 360 ही आता है. इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस इंटीरियर का, सर इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग आता है, 360, 540, 720, बट एक्सटीरियर एंगल्स का सम सारे पॉलीगॉन्स का, जैसे कि पेंटागन हो, हेक्सागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, 360 ही आता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज. अभी एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है कितने डिग्री का है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? 360 डिवाइडेड बाय एन. अब यहाँ पे ये एन क्या है? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नंबर साइड ऑफ. नंबर ऑफ साइड्स ओके, अगर मैं आपको बोलू, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ पेंटागन. ओके, दिस इज अ पेंटागन, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है. सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल देन? What will be the measure of this exterior angle? ये फॉर्मूला यूज करना है. 360 इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय 72 डिग्री नंबर ऑफ साइड्स इज व्हाट? 5. सो फाइव फाइव 72 डिग्री का एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये 72 डिग्री का. आप चाहे कहीं पे भी निकालो, 72 ही आएगा. ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ये यस इस सर तरीके से हम लोग एक्सटीरियर एंगल ये वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिवाइडेड बाय एन. उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन
इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड, अभी यहां से ही बना है देखो, ये जो फॉर्मूला है, वेट आई विल फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन। हाँ अभी ये जो फॉर्मूला है आपका, ईच एक्सटीरियर एंगल, इज व्हाट इट इज 360 डिवाइडेड बाय एन। बस कुछ नहीं किया है इन्होंने, एन को उधर शिफ्ट किया है और ये ऐसे लिख दिया है, व्हाट इट विल बिकम 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। सी एन यानी क्या, नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आया कि आपको, बस ये दोनों ध्यान में रखना है आपको, दैट्स इट। Sum of exterior angles of a polygon is 360 degree and each exterior angle of a regular polygon is how much? 360 divided by n. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ सिक्स साइड्स। तो सिक्स साइड वाला फिगर कौन सा होता है सबसे पहले? हेप्टागन। हेक्सागन। हेक्सागन। सिक्स साइड वाला फिगर होता है हेक्सागन। ओके, सपोज दिस इज अ सिक्स साइडेड पॉलीगॉन, तो यहाँ पे छह साइड, हमको क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अभी जस्ट हमने अभी देखा है, सपोज ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका हमको मेजर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, ईच 360 अपॉन एन, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, एंड व्हाट इज दिस एन, एन मींस नंबर ऑफ साइड्स। तो बोलो अभी कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 60। तो हर एक्सटीरियर एंगल जो है ये पॉलीगॉन का या फिर ये हेक्सागन का, वो 60 डिग्री का आएगा। इज इट क्लियर टू यू, कौन सा भी एक्सटीरियर एंगल आप ले लो, इट विल कम ऑफ 60 डिग्री ओनली। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो 16 साइड वाला अभी, इसका भी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कितना आता है फाइंड करो। फिगर तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो 16 साइड वाला, सो डायरेक्टली फाइंड इट आउट। सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। सो एन इज व्हाट, 22.5 डिग्री। ये हो जाएगा 4 4 और ये 4 90s, उसके बाद 45/2 आ जाएगा, 45/2 यानी 22.5 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस 16 साइडेड पॉलीगॉन विल कम व्हाट, 22.5 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, we'll see the next example. How many sides does a regular polygon have each if each of its interior angle is 140 degree? abhi dekho humko polygon how many sides nikalna hai, humko number of sides nikalna hai humko, aur humko yahan pe kya given hai, interior angle given hai, kitna 140 degree ka, interior angle is given 140 degree. Okay. What we have to find? We have to find number of sides, which is equal to n. ये हमको find करना है. So, what is the relationship between interior, sum of interior angles? इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्री, तो भी नंबर ऑफ साइड्स,
सपोज हेक्सागोन अगर कंसिडर किया तो 140 140 140 140 कितना आता है ये टोटल सम करने के बाद 140 140 140 सिक्स टाइम्स 140 14 सिक्स इज 840 नो 720 आना चाहिए इट्स रॉन्ग यानी वो हेक्सागन नहीं है पेंटागन चेक करो 540 आता है क्या ये 140 ये 140 ये 140 ये 140 ये 140 सो 145 इज 700 नो इट इज नॉट अ पेंटागन आल्सो उसके बाद हेप्टागन चेक करो 7 × 140 कितना आता है 14 7 का 98 What is the sum of angles of this heptagon? It is 5 multiplied by 180. It will come 5 × 180. It will come 900. So heptagon bhi nahi hai. Sir, decagons is coming. Decagons. Okay, check kar rahe na abhi. Heptagon ke baad octagon aata hai kya? Dekho 7 × 140. Kitna aata hai? 14 7 za. Sorry, 14 8 za. 14 8 za. 1120 डिग्री आ जाएगा 1120 और ऑक्टागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 करो कितना आता है इट विल कम 1080 ये भी नहीं आता है ऑक्टागन के बाद कौन सा है नेक्स्ट नोनागन नोनागन सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 140 हाउ मच इट कम्स 9 multiplied by 140. 1260. और 7 multiplied by 180 करो कितना आता है? 187 जा. 90 plus 36. 1260. For this it is coming. Nonagon. Somesh. Check करो calculation से. 14 9 is 126 correct and 18 sorry decagon it is coming 144 okay it is absolutely true for this nonagon yes, okay so number of sides kitne aayenge yahan pe 9 aayenge because this is satisfied for nonagon yahan pe dekho sare angles ka sum bhi kitna aa raha hai 1260 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना आ रहा है 1260 एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो सर यू टोल्ड दैट यू विल एक्सप्लेन दैट डाउट माय यस डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट वी विल टेक एक्स्ट्रा सेशन ऑन संडे दैट टाइम योर डाउट दैट जय मंदानास डाउट एवरीवनस डाउट वी विल क्लियर इट सर मतलब इसको फाइंड करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड है यस यस फॉर्मूला थोड़ी ना है हमारे पास कुछ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ये सारे एंगल्स का सम एक ही आना चाहिए बट सर हाँ सर वो बुक में तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं यानी डायरेक्टली उन्होंने क्या किया एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ओके उसमें अपने को इंटीरियर एंगल दिया था तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 माइनस 140 व्हिच इज इक्वल टू 40 तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ओके ओके एक्सटीरियर एंगल सपोज अभी ये मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ ये वो पॉलीगॉन है अभी अपने को इसके नंबर ऑफ साइड्स तो एक्चुअल में पता नहीं है वो हमको फाइंड करना है सपोज दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ओके दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन अभी देखो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है अभी ये क्या है ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है एक ही लाइन पे है करेक्ट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हाउ मच इट विल कम 180 डिग्री इट विल 180 डिग्री द रीजन इज दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
The reason is linear pair of angles. Okay. तो अभी हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा हमको. हाउ मच इट विल कम देन? इट विल कम 40 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल विल कम व्हाट? 40 डिग्री. 180 माइनस 140 इज व्हाट? 40 डिग्री. अभी एक्सटीरियर एंगल का हमने जस्ट ये फॉर्मूला देखा था. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज व्हाट? 360 डिवाइडेड बाय एन. सो वी विल यूज दिस रिलेशन नाउ. ईच exterior angle of polygon is equal to 360 divided by n. तो each exterior angle है हमारे पास, तो यहाँ पे 40 will be equal to what? 360 divided by n. तो n क्या हो जाएगा? It will be 360 divided by 40. So n will come what? 9. In this way also you can find, no problem. See, actually what is my problem? I don't see the solution in the textbook. मैं मेरे method से solve करता हूँ. अभी आपने बताया तो ठीक है, ये भी method correct है, textbook में given है तो correct है. सर क्योंकि वो बहुत hard जा रहा था. हाँ ठीक है ना, no problem. Okay fine, no problem. You can do like this also. Okay, any doubt to anyone? In this topic? No, sir. Okay. See the next one. Find the value of x in the adjoining figure. आपको ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है. देखो ये x है तो ये भी x है. करेक्ट. नाउ सी हियर, दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री, क्योंकि लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सिमिलरली ये वाला 100 का है तो ये 80 हो जाएगा. हाँ, अभी सम, अब ये कौन सा फिगर है? 1 2 3 4 5 साइड्स वाला. 50 डिग्री. तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा? 540. इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन is 540 degree. अब इसमें angles कौन से हैं? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equal to 540 degree. तो angle A का value कितना है? 40. B का value कितना है? X. C का value है 80. D का value है 100. E का value है x. x degree. Which is equal to 540. तो x plus x कितना हो जाता है? 2x. 40 plus 80 plus 100 कितना हो जाएगा? 220. 220. Will be equal to 540. तो 2x will be equal to 540 minus 220 कितना आता है? बोलो. 320. Correct? Yes, sir. So x will come what? Yes. 160 degree. In this way we can find the value of x. मुझे अब ये बता सकते हो? सर मेरे को ये नहीं समझा, अपने हमने इंटीरियर एंगल क्यों लिया 100 डिग्री और 80 डिग्री? वो क्या यूज आ रहा था? मतलब इधर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी. ओके, 540 के लिए वो काम आ रहा था. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. So using this concept, we can find it. Sir, you were asking question. Wait a minute. Pranjal, क्या हो गया? ये irregular polygon है. Sum of exterior angle over 360 is exterior or regular polygon. Okay. Yeh irregular polygon hai Pranjal, no doubt, but we are not using this relation. This relation is only applicable where there is a regular polygon. Deepthi, not understanding fifth example. Kya nahi samjha hai Deepthi? दीप्ति क्या नहीं समझ? हाँ, वो जो नंबर ऑफ साइड,
सर वो एक्सटीरियर एंगल के बाद में की स्टेप्स। ये फॉर्मूला है बेटा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, दिस इज अ फॉर्मूला। ये यहाँ पे देखो, ये वाला रिलेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो। और प्रांजल, वो रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, हम लोग सिर्फ वो वाला फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला जो है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला जब हम यूज कर दे तब रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, दैट्स इट। अभी यहाँ पे तो हमने वो यूज ही नहीं किया है। इज इट ओके प्रांजल? यस सर। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द एक्सरसाइज देन? यस सर। यस सर। फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज पेंटागन। वेरी नाइस। फॉल्स। फॉल्स। ओके, सिक्स साइडेड, सो दिस वी हैव टू राइट इन सीडब्ल्यू। यस यस, सिक्स साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज हेक्सागन। ट्रू ट्रू। The sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. It is true. True. चाहे वो pentagon हो, hexagon हो, कोई भी गोन हो। False. False. उसका sum 360 आता है। The smallest polygon is quadrilateral. False. कौन सा है फिर? False. False. Triangle. Triangle. Three sides. Okay. Triangle is the smallest polygon. Now find the number of diagonals. See, we have the formula for number of diagonals. I will write it. Number of diagonals is what? N in bracket n minus 3 divided, n minus 3 divided by 2. So yahan pe abhi first one ke liye kya aayega? Number of diagonals, it will be 8 in bracket 8 minus 3 divided by 2. 2 ones are 2, 4s are 20. So 4 multiplied by 5 is what? 20 diagonals will be 20. There. So 8 sides wala polygon kaun sa hota hai? Octagon. Octagon mein octagon. ऑक्टागन में होते हैं 20 डायगोनल्स। ऑक्टागन में होते हैं 20 डायगोनल्स। नाउ 12 साइड वाला में कितना होता है? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स 54 डायगोनल्स। एन इन ब्रैकेट एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो 12 in bracket 12 minus 3 divided by 2, so 2 1s and 2 6s, so 6 multiplied by 9 is what? 54 diagonals hote hai. Okay, 54 diagonals hote hai. Similarly 24 or 30 aap find karo. 24 is 108. Isme 24 mein hote hai 108 diagonals, aur 30 mein 405. कितना टाइम लग जाएगा ये फिगर बनाने में? 30 साइड्स और ये 405 डायगोनल्स बनाने में। इट विल बी ऑलमोस्ट सर्कल। हाँ, नियर अबाउट सर्कल ओनली। यस सर। ओके, क्या हुआ दीप्ति? आपका 252 आ रहा है, ध्रुव आपका भी 252 आ रहा है। इज देयर सर माइनस 2? फॉर फोर्थ वन? नो सर, थर्ड वन। थर्ड वन चेक करो, थर्ड वन सभी लोग 252 आ रहा है। सर मेरा भी 252 आ रहा है। ओके, मेरा भी 252 आया। 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 12 जा, so 12 multiplied by 21, 12 1 जा is 12, 12 102 नहीं आता, 252 है करेक्ट। 252 सर। किसने बोला था ये 108? वीरजैन सर। वीरजैन। now there is a punishment for वीर। वीर
सर सबका गलत कर रहे थे ना आप। सॉरी सर, सर वो मेरे को वो 12 का 54 था, उसका डबल करा तो। ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन विद साइड्स, फर्स्ट इज 12। सो 12 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है यहाँ पे? सी राइट लाइक दिस ओनली हाँ, इन सी डब्ल्यू ऑल्सो, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12। देयर फोर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे यहाँ पे? टेन करेक्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी 12 माइनस 2, दैट इज 10 ट्राइंगल्स बनेंगे। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा फिर? 1800 1800 1800 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट? एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 10 ट्राइंगल्स का करना है तो 1800 डिग्री विल बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर टू यू? यस सर हाँ, सिमिलरली नेक्स्ट वाला फाइंड करो, 16 साइड्स वाला, सेम लिखोगे आप एज इट इज, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 16, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विल बी व्हाट? 5200 16 माइनस 2 दैट इज 14, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट? 2520 2520 2520 Will be 14 multiplied by 180. So 14 multiplied by 180. 14 8 is 112, carry 11, 14 ones are 14, plus 10 24, plus 125. This is 0. 2520 degrees. Chalo, 20 sides. ट्वेंटी साइड्स, थ्री टू फोर जीरो डिग्री 3240 डिग्री ओके। थ्री टू फोर जीरो डिग्री, 3240 डिग्री। सी द कैलकुलेशन, हाँ सर चेक द कैलकुलेशन। हाँ, 28 यस सर साइड्स, 3240 डिग्री हाँ 28 साइड्स, 4680 डिग्री 4680 डिग्री। फोर सिक्स एट 80 डिग्री सर ओके तेजस्विनी, अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। यस सर ये घर पे ही अच्छा था ना, स्कूल में क्या है? नहीं सर स्कूल में अच्छा है क्योंकि ना घर पे बहुत जल्दी उठना नहीं पड़ रहा था, स्कूल में तो 10 बजे आना है। अच्छा, सो उठने की वजह से स्कूल अच्छा है, करेक्ट। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद साइड्स, एक्सटीरियर एंगल निकालना है अभी हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? सी फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन। हाँ, ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड्स? 8 साइड्स आर देयर। सो ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद व्हाट इट विल बिकम? 360 डिवाइडेड बाय 8, सो हाउ मच इट कम्स? सर दे420। टोल्ड इंटीरियर एंगल्स नॉट यस सर सर दे टोल्ड इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर, रेगुलर पॉलीगॉन ओके ओके फाइन, सॉरी आई थॉट इट इज एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो ईच एक्सटीरियर एंगल बोला है, नंबर ऑफ साइड्स हमको गिवन है कितना? 8। नंबर ऑफ साइड्स
इट इज गिवन एज 8. सो कौन सा वाला फिगर होगा ये, नंबर ऑफ साइड्स? तो इसका ऑक्टागन. ओके ऑक्टागन होगा. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है ऑक्टागन का? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है ऑक्टागन का? 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना होता है? 1440 डिग्री. 1440 डिग्री. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन कितना रहेगा? 1440 डिग्री. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन है. रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है? इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. यस और नो? सारे साइड्स इक्वल डायमेंशन के होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल डायमेंशन के होते हैं. तो अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने रहेंगे? सपोज एक्स 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 प्लस एक्स प्लस एक्स, सारे एंगल्स एक्स डिग्री के, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 1440 डिग्री. तो अभी ये सब एक्स को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8x विल बी इक्वल टू 1440 डिग्री. सो एक्स विल कम व्हाट? 1440 डिवाइडेड बाय 8. सो 4 2 जा 4 3 जा 2 4 4 6 जा 180. सो एक्स विल कम व्हाट? 180. सो सारे एंगल्स का ईच एंगल सॉरी ईच इंटीरियर एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री. Therefore, write down last statement. Each interior angle is equal to 180 degree. Clear or not? Is it clear or not? Say yes. Yes, sir. Sir. हाँ. Yes, sir. Sir, पीछे answer आ रहा 135 degree. Yes, sir. 135 है पीछे. तो यहाँ पे ये इसमें कुछ मिस्टेक होगा. सी 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना था? 8 6 48. यहाँ पे गलत बोला उसने. वो क्या नाम है उसका? ध्रुव चरखा. हाँ तो ये 1080 आता है यहाँ पे. ओके सो करेक्ट इट. और ये 1080 को 8 से डिवाइड करो अभी. दैट्स इट. ओके सर. 1080 डिवाइडेड बाय 8. सो 4 यहीं पे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग. नंबर ऑफ साइड्स कितने अभी नेक्स्ट वन में? 12. ओके तो 12 साइड्स है हमारे पास. ओके सो नंबर ऑफ साइड्स इज 12. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 180, इट विल कम 1800, विल बी इक्वल टू 1800. अभी यहाँ पे 4x बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 12 एंगल्स आएंगे यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. सो व्हाट इट विल कम? 12x विल कम इक्वल टू 1800. सो x विल कम व्हाट? 1800 डिवाइडेड बाय 12. सो 6 2 जा 6 300 जा. सो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है. 150. ईच इंटीरियर एंगल विल बी ऑफ 150 डिग्री. सिमिलरली फाइंड आउट फॉर 18 एंड 24. जल्दी करो सर. 18 का 160 डिग्री है. 18 का 160 डिग्री है. पीछे से आंसर तो नहीं बोल रहे हो ना आप डायरेक्टली? पर मैं वीडियो ऑन करके बताता था 2 मिनट. नो 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 नो, आई एम जस्ट जोकिंग. सर 24th आंसर इज 165 डिग्री. 165 डिग्री. ओके
सो 18 साइड्स के लिए 160 डिग्री आएगा, 24 साइड्स के लिए 165 डिग्री आएगा. इनसाइड 160 एंड 24 साइड 165. ओह इट्स करेक्ट वीर. ओके सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके संडे को मुझे आप सैटरडे को डेफिनेटली इन्फॉर्म करना कि हम लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन रखना है. ओके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए फिर मैं आपको. सर यू विल सॉल्व दैट बोथ वर्कशीट. यस यस बोथ वर्कशीट ऑल द वर्कशीट्स वी विल सॉल्व इट टुगेदर ओनली व्हाटएवर इज द डाउट. सर टुमारो इज हॉलीडे. टुमारो इज विद सैटरडे फिफ्थ सैटरडे ना नो हॉलीडे देन. नो सर नो हॉलीडे. हां ओके ना हॉलीडेज आर ओवर बेटा अभी अभी स्कूल है अभी रेगुलर अभी. ओके हां सर. So we will stop here. Tomorrow we will continue with the next question. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.